मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं कोरोना के मामले में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब एक्टिव केस की संख्या 99 हो गई है। वहीं नीमच और रीवा में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कुचल कुचल कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया हो, उन मामलों में कांग्रेस राजनीति करती है। ऐसी राजनीति की मैं निंदा करता हूं। इसके अलावा 10 दिन तक केजरीवाल के मौन होने पर गृहमंत्री ने कहा कि अगर सेना पर सवाल उठाने वाला मौन रहे तो जितना मौन हो उतना अच्छा है। वहीं इंदौर में चूड़ी वाली घटना पर उन्होंने कहा कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की संभावनाएं हैं और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिग्विजय सिंह के बिजली कटौती पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के राज में मोमबत्ती और लालटेन युग आया था और अब वह बिजली पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना के 10 नए प्रकरण कल मिले हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए। पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस 99 बचे हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.01% रह गई है और रिकवरी दर 98.6 बनी हुई है। कल प्रदेश के अंदर 68,128 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। ये जो कांग्रेस कुत्सित राजनीति करती है, हम सब उस घटना की निंदा करते हैं जो नीमच में हो चाहे रीवा में हो, वो भी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। जितनी भत्सना की जाए उतनी कम है। हमारे हाथ कानून से बंधे, मतलब ऐसे लोगों की तो इस दुनिया में ही जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस पे भी रोटी सेकती है। अब ये भी अचंभा है ना, जिसके राज्य में मोमबत्ती युग आ गया था, लालटेन युग आ गया था, वो सवाल उठा रहा है। ये भी डेमोक्रेसी की इसको खूबसूरती कहे या बदसूरतरी। दिग्विजय सिंह बिजली पे उठाते हैं, कमलनाथ जी किसानों की बात करने लगते हैं, यानी जिनने शुद्ध धोखे दिए। अरे भाई, हमारे जो प्लांट है पावर ट्रांसमिशन के, उनमें व्यवधान आया है, उनमें खराबी आई है, इससे स्वाभाविक रूप से थोड़े दिन दिक्कत रहने वाली है।